जिले के विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पहुंचेगी फोर्स, बसें की गई अधिग्रहित। चुरू जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। जिले की विधानसभा क्षेत्र के लिए फोर्स की 3 कंपनियां चुरू आएगी। एएसपी नरेश कुमार शर्मा ने बताया कि 25 नवंबर को विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान होने हैं। इसके लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ की 3 कंपनियां 15 अक्टूबर को चुरू आएगी, जिनमें करीब 300 जवान होंगे। एएसपी शर्मा ने बताया कि सेना के जवानों को ठहराने के लिए भवनों को भी अधिग्रहित किया गया है। इसके अलावा इन जवानों के चूरू आने के बाद उनको गंतव्य मतदान स्थल तक छोड़ने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। एसपी शर्मा ने बताया कि ट्रैफिक इंचार्ज सुभाष चंद्र की अगुवाई में पुलिस सेना के जवानों को लेने और ले जाने के लिए गाड़ियों और बसों का अधिग्रहण कर रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ 25 बसों को अधिग्रहित किया जाएगा। 15 तारीख को आनी है राजगढ़ चूरू और रतनगढ़ के लिए, और ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति सही हो तो उससे सब रूप से जारी कर सके। कितने लोग आएंगे सर? 3 कंपनी, 3 कंपनियाँ हैं, 3 कंपनियों में करीबन 300 आदमी का जाता है। महिलाओं के संबंध में जो सिक्योरिटी स्टाफ आएगा जो उनके लिए ये गाड़ियाँ अधिग्रहण कर रहे हैं, जाप्ता का उनको संबंधित विधानसभा क्षेत्र तक छोड़ के आएंगे और फोर्सेज के लिए गाड़ियाँ अधिग्रहण कर रहे हैं, जिसमें ट्रक बसें और छोटी गाड़ियाँ शामिल हैं। अब तो कितनी गाड़ियाँ अधिग्रहित की? 25 टोटल 25 गाड़ियाँ।